विधानसभा चुनाव में 60% बूथों पर वेबकास्टिंग के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को विकास भवन से कैमरों का वितरण किया गया, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के 60% बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जो कि 2513 बूथ हैं जिस पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा, निर्वाचन ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, जिसको मॉनिटर भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में बैठकर करेगा, जिससे कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जा सके, जिसके लिए 1700 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिनको कैमरों व आईडी कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी बुधवार को अपने अपने बूथों पर पहुंचकर कैमरा को इंस्टॉल कर देंगे और गुरुवार को मतदान के दिन लाइव टेलीकास्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी व प्रेक्षक अपनी आईडी से चेक करके मतदान को लाइव टेलीकास्ट देख सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जिला में क्या है वो तो कंप्लीट अगस्त में पंचायत सहायक है। 12 नंबर है कि नंबर सर। हेलो, दो पेपर मिलते हैं, कृपया ध्यान दे, बॉक्स नंबर एक नहीं, जिनको भी आवश्यकता हो जा सकते हैं सीरियल नंबर। गोरखपुर में जैसे कि आपको ज्ञात है कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 60% बूथ, जो कि लगभग 2513 बूथ हैं, उस पर वेबकास्टिंग की जा रही है। इसके तहत हर बूथ पे जो है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे कि सीसीटीवी कैमरा के मार्फत से यहाँ पे मॉनिटर लगाया जा रहा है कंट्रोल रूम में, जहाँ इलेक्शन कमीशन का जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर गोरखपुर में उसमें लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली और जो लखनऊ है वहाँ से उसकी टीम बैठ करके इसको मॉनिटर करेगी कि जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय के और बिना किसी दबाव के भयमुक्त वातावरण में हो रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये सारे कैमराज लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हमने 1700 स्टाफ भी लगाए हुए हैं, ये स्टाफ आकर के सभी अपना सीसीटीवी किट है, इसके अलावा उनके आईडी कार्ड है और बाकी जो चीज़ें भी उनको उपलब्ध कराई जाए सभी ले करके जा रहे हैं। ये कल अपना कैमरा कल शाम तक इंस्टॉल कर देंगे और परसों दिन भर बूथ में रहकर के ये सुनिश्चित करेंगे इस कैमरा से लगातार लाइव टेलीकास्ट जो है कंट्रोल रूम में हो रहा है, और कोई भी इसको अपने आईडी का यूज़ करके कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं जो भी प्रेक्षक हैं, या अपने लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं आईडी का यूज़ करके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है या नहीं।